Assalamualaikum viewers, आप देख रहे हैं बर्ड ऑफ पोल्ट्री यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद अबूबकर नईम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है गुड स्टॉकमैनशिप क्वालिटीज के ऊपर। हम देखेंगे कुछ स्टेप जो एक गुड स्टॉकमैनशिप क्वालिटीज एक होता है उसके अंदर कौन कौन सी अच्छी क्वालिटीज होती हैं और होनी चाहिए, ठीक है। गुड स्टॉकमैनशिप मतलब कि जो वेटरनेरियन है या डॉक्टर है जो बर्ड को फ्लॉक को जो है वो डेवलप करवा रहा है, ठीक है, उसके अंदर उसके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, कौन कौन से उसका नॉलेज होना चाहिए, सारा चीज। सो सबसे पहले तो हैव नॉलेज ऑफ एनिमल्स में, उसको एनिमल्स के बारे में बर्ड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। एक बंदा जिसके पास नॉलेज नहीं है वो क्या मैनेज करेगा। तो ये अच्छा जो क्वालिटी है गुड स्टॉकमैनशिप की उसमें ये सबसे पहली क्वालिटी है कि उसके पास एनिमल्स का बर्ड्स का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद स्किल्स होनी चाहिए एनिमल्स में, उसको फार्मिंग के अंदर स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, फिर ही वो उसका एक्सपीरियंस होगा, स्किल्स होंगी, फिर ही वो मैनेज करेगा। अच्छा, उसके बाद अगली क्वालिटी जो है वो ऑब्जर्वेशन, उसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो कितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन करता है वो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त की क्वालिटी है। अगर जितने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करेगा उतने अच्छे तरीके से वो मैनेज कर सकेगा, ठीक है। अगली क्वालिटी अटेंशन टू डिटेल, वो जो प्रॉपर डिटेल है उसको प्रॉपरली मतलब कि उस पर त्वचा देगा, ठीक है। तो अगर वो देगा तो ये उसके लिए अच्छी क्वालिटी है और ये गुड स्टॉकमैनशिप की बेहतरीन क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी। उसके बाद पेशेंस, ठीक है, फिर सब्र, उसके अंदर सब्र कितना है, यानी कि ऐसे होता है ना कि कभी हार्ड वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ जाती है बर्ड के साथ, हमें जो स्टार्टिंग में लाइक अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमें भी फील टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो हमें सब फील करना होता है, हमें बर्ड की एक्टिविटी के साथ, हमें बर्ड के साथ अच्छे से पेश आना है, हमें सब्र करना है, पेशेंस हमारे बर्दाश्त होनी चाहिए, तो ये भी एक अच्छी क्वालिटी है, ये होगी तो गुड स्टॉकमैनशिप होगी। अच्छा, उसके बाद एम्पैथी एंड डेडिकेशन, वो मतलब उसके अंदर जो है लगन हो और एक मतलब काम करने के जो है ना उसके अंदर मतलब एक मेल मतलब सिर्फ काम करे, ठीक है, एक डेडिकेशन के साथ, तो फिर जो है वो अच्छे से वो मैनेज कर सकेगा और यही एक गुड स्टॉकमैनशिप की जो है वो क्वालिटी है। सो ये सारी क्वालिटीज हैं, ठीक है, गुड स्टॉकमैनशिप की, ये सब अगर जिसके अंदर होगी वो एक गुड स्टॉकमैनशिप होगा। सो आप आई होप कि आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आ रही होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।